प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। यूं तो जुड़वा बच्चों की कहानियाँ या इन पर बनी अनेकों फिल्में हमने जरूर देखी होंगी, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर जुड़वा बहनों को जुड़वा पति भी मिल जाए। ये जानने के लिए आइए सुनते हैं मशहूर लेखिका सरोज श्रीवास्तव द्वारा रचित कहानी नन्हा सा तिल। इसका वाचन कर रही हैं सविता शर्मा। कमलो विमलो की अम्मा, अरे भाई सुनती हो, हे जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, थका मांदा लौटा हूँ। पुकार सुनकर रसोई से आटे सने हाथ धोती के पल्लू से पहुंचती कमलो विमलो की अम्मा अपनी 80 किलो वजन काया को लेकर आ उपस्थित हुई। पंडित जगतपति ने पैरों के जूते उतारते हुए ही एक नजर अपनी धनपत्नी पर डाली और उनके हाथ में पानी का गिलास ना देखकर एड़ी से चोटी तक उबाल खाकर रह गए। वो जानते थे कि वो वहां से तब तक टलने वाली नहीं है जब तक कि कमलो विमलो की ब्याह संबंधी प्रथम वार्ता का डिस्क्रिप्शन A to Z ना सुन ले। और हुआ भी बिल्कुल वही। कमलो विमलो की अम्मा यानी पंडित जगतपति जी की धर्म पत्नी ने फिल्मी वैम्प टाइप मुद्रा बनाते हुए अपने प्रश्न की गोली दाग दी। कुछ पक्की वक्की हुई बातचीत या इस बार फिर से ठन ठन गोपाल बने लौटे हो? पंडित जी के जी में तो आया कि कह दूं, हाँ लौट आया हूँ जुड़वा धियों की अम्मा। मगर फिर एक पल सोचकर रुक गए कि आखिर इसका भी क्या कसूर है। इन लड़कियों की उम्र 18 की होने को आई है जो कि उनके समाज के लिहाज से अब बूढ़ी होने को आई, मगर बीसियों जगह बातचीत चलने पर भी कहीं कुछ बाधा तो कहीं कुछ मुसीबत खड़ी हो जाती और बेचारी जुड़वा कमलो विमलो जो केवल नाम जानकर ही अलग अलग पहचानी जा सकती थी अपने ख्वाबों के महल से नीचे और नीचे उतर आने को विवश हो जाती। इधर पंडित जी थे जो सोचे बैठे थे कि दोनों का एक साथ ही मुंह काला कर, माफ कीजिए, हाथ पीले करूंगा ताकि खर्च कम हो, जैसा कि स्वाभाविक था। तो आज पंडित जी बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें न केवल शादी पक्की करने में सफलता मिली थी बल्कि सबसे बड़ा संयोग कहिए या विधाता का मजाक कि उन्हें अपनी कमलो विमलो के लिए एक ही घर मिल गया। अब जरा बात साफ साफ की जाए तो ठीक रहेगा। दरअसल कमलो विमलो के लिए जो लड़के वो देख कर आए थे वो भी जुड़वा और हमशक्ल थे। इसीलिए पानी ना मिलने से तबीयत कोफ्त होने के बावजूद उनका चेहरा क्षण भर में ही अपनी सफलता की सूचना देने के लिए नए आए स्टील के बर्तन सा चमचमा उठा। वो बोले, अरे भगवान, आज तो तू सचमुच ही भगवान हो गई। अपनी कमलो विमलो की ना सिर्फ बात पक्की कराया हूँ बल्कि एक ही घर से लड़के आएंगे। अब सोच, बाराती साझी, एक बारात की खातिरदारी करने का खर्चा, बोल बचा कि नहीं। ये सुनते ही पंडित जी की भगवान गैस के गुब्बारे सी थोड़ी और फूलती हुई बोली, हाय सच, हे ईश्वर, तू ही सच्चा है, बाकी तो सब झूठे हैं। और उन्होंने श्रद्धा से अभिभूत हो ऊपर आकाश की ओर हाथ जोड़ दिए। तभी कुछ ध्यान आया और वो तपाक से बोली, अह क्यों जी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बात भी चली थी क्या? हाँ चली, क्यों नहीं, मैंने तो कह दिया कि लड़कियां मैट्रिक फेल हैं। बड़े भारी तीर मार के आए अंदाज में पंडित जी बोले, असल में
जब पंडित जी अपनी कक्षा 5 पास लड़कियों की सगाई केवल इसी कारण कई जगह करने में असमर्थ रहे थे कि वो कम से कम मैट्रिक नहीं थी, तो उन्होंने चट दोनों को मैट्रिक का फॉर्म भरवा दिया, क्योंकि उस जमाने में मैट्रिक के लिए कक्षा 8 का सर्टिफिकेट भी आवश्यक नहीं था। कक्षा 5 तक पढ़ी वो लड़कियां मैट्रिक में भला पास तो क्या ही होती। हाँ, उनके मैट्रिक फेल की उपाधि से विभूषित होने से शादी की बात चलाने में आसानी अवश्य हो गई। जहां कहीं भी बात चलती या लड़का और उसके संबंधी लड़की की शिक्षा के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते, तो पंडित जी अपनी टोपी को बड़े गर्व से उतार कर फिर से सिर पर रखते हुए कहते, हाँ अजी, मैंने अपनी लड़कियां गवार थोड़े ही ना बनाई है, मैट्रिक फेल है। कमलो विमलो की शादी अब पास आ गई थी। वो दोनों आजकल तरह तरह के प्रसादनों से अपना सौंदर्य निखारने में लगी रहती। इधर उनके परम पूज्य पिताजी ने संस्कृत भक्त होते हुए भी 10 दिन में अंग्रेजी सीखने वाली पुस्तक भी उन्हें लाकर दे दी, जिसका वो बाकायदा नियम से रामायण की तरह पारायण करती। ये बात इधर है कि पल्ले उनके कुछ न पड़ता। शादी के लिए दोनों बहनों को एक से गहने कपड़े बनवाए गए, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे। चूंकि एक ही घर ब्याही जा रही थी, तो किसी को कम या ज्यादा देने का प्रश्न ही नहीं उठता था। द्वारचार के समय भी अजीब सा हुल्लड़ था, क्योंकि दोनों दूल्हे भी, यानी दोनों हम शक्ल जुड़वा भाई सुरेश और महेश भी एक सी ही पोशाकों में हाजिर थे, जैसे डबल रोल कर रहे हों। संबंधी, पड़ोसी, दर्शक सभी उन अनोखी जोड़ियों और संयोग को देख देख कर हंसते हंसते दूरे हो रहे थे। विवाह की सभी रीतियां चूंकि नाम के बिना संपन्न होती हैं, अतः कोई विशेष गड़बड़ी पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठा। हालांकि विवाह मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी भी एक बार को दुकदुकाने लगे कि कहीं गलती से एक का विवाह दूसरे से ना करा दें। ऐसा अद्भुत संयोग उन्हें भी पहली बार ही देखने को मिला था। खैर, किसी तरह कमलों का सुरेश और विमलों का महेश से गठबंधन हो गया। धीरे धीरे विदाई का क्षण भी आ पहुंचा। कमलों विमलों की सहेलियां, माँ, चाची, मौसी सभी रो रही थीं, क्योंकि दोनों ही अपने हसोड़ और मजाकिया स्वभाव के कारण सबको प्रिय थीं। उधर कमलों विमलों की माँ को यही चिंता सताई जा रही थी कि यहाँ तो जैसे तैसे चलो निभ गई, मगर कहीं ये लड़कियां ससुराल में भी कोई ऐसा गुल ना खिला दें कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। यही आशंका मन में रखते हुए विदाई के क्षणों में दोनों जा माताओं को एकांत में बुलाकर उन्होंने समझाया और कमलों विमलों के लाड़ प्यार की दुहाई देते हुए अंत में बोली, देखो बेटा, बस एक बात का डर है मुझे, कमलो विमलो जब तक बोले नहीं उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है, और इस बात का फायदा उठाकर ये दोनों मुझे भी खिंचा लेती थी। बस बेटा, एक ही पहचान है दोनों के बीच, कमलो के कान के पीछे एक नन्हा सा तिल है, जबकि विमलो के नहीं। बस बेटा, मेरी इस बात का तुम हर कदम पर ध्यान रखना। बारात घर वापस लौट आई। सभी ने खूब आनंद उठाया इन अनोखी जुड़वा बहुओं को देख देख कर। दिन में कंगन खुलने की रस्में हुई और रात में सुरेश महेश की रिश्ते की भाभियों ने दोनों कमरे सजाकर कमलों और विमलों को ले जाकर वहां बिठा दिया। सजे हुए पलंग, भीनी भीनी खुशबू और प्यार भरा हृदय, मन ही मन शर्माती मुस्कुराती कमलो विमलो अपने अपने स्वप्न सुंदरों के लिए प्रतीक्षा में बैठी थी कि तभी
धीरे से किवाड़ खुले और दोनों भाई दोनों कमरों में अपनी अपनी पत्नियों के यत्न से सवारे गए सौंदर्य को मौन भाव से निहारने लगे। कमलो विमलो के मन में शैतानी करके गुल खिलाने की इच्छा वेगवती हो उठी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा प्रसंग ना आने दिया कि उन लोगों को एक दूसरे के नामों की जानकारी हो पाए। इधर बिजली की शॉर्टेज ने उन्हें अपने अपने वरों को छिपाने में और भी सहायता की। जब तक बिजली गोल हो जाती और इसी कारण सुरेश और महेश अपनी मधुरात्रि मोमबत्ती के धूमिल प्रकाश में ही मनाने को विवश थे। कुछ समय में वार्तालाप इस स्टेज पर पहुंच गया कि सुरेश और महेश ने मेज पर टिमटिमाती मोमबत्ती को फूंक मार दी और जैसे ही वो दोनों अपने अपने पलंग पर गए कि अचानक जैसे सांप ने डस लिया हो, इस प्रकार कूदकर पलंग से नीचे आ पड़े और दिया सलाई उठाकर मोमबत्ती जला दी। इधर कमलो विमलो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी। सुरेश और महेश ने अपने अपने कमरों में मोमबत्ती उठाई और कमलो विमलो के कान उमेटने लगे। अब कमलो विमलो भी घबराई। जब सुरेश ने देखा कि जिससे वो इतनी देर अपनी पत्नी समझकर बातें करता रहा है वो कमलो नहीं विमलो है, जिसके कान के पीछे तिल नहीं है। उधर महेश के साथ भी यही हुआ तो बदहवास से भागकर दोनों बाहर आ गए और एक दूसरे को देखकर इस तरह हांफने लगे जैसे कह रहे हो, जान बची और लाखों पाए। अभी आपने सुनी मशहूर कथाकार सरोज श्रीवास्तव द्वारा रचित कहानी नन्हा सा तिल। इसका वाचन कर रही थी सविता शर्मा। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल, कार्यक्रम सहायक थे रवि कुमार सिंह और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharti.gov.in।